परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध भले ही यूपी के सीतापुर में जारी हो, बावजूद इसके ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में मंडल में सीतापुर जनपद पहले पायदान पर है। जनपद में शिक्षक शिक्षिकाएं ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने लग गए हैं। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या में जल्द ही और अधिक इजाफा होना माना जा रहा है। राजधानी से सटे सीतापुर में ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था के विरोध की वजह क्या है, इसे जानने के लिए आई इंडिया ने शिक्षक शिक्षिकाओं का मन टटोला। आई इंडिया के एलिया संवाददाता शेर सिंह ने प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक एलिया के अध्यक्ष अश्विनी सिंह, प्राथमिक विद्यालय मथना की सहायक शिक्षिका पूजा सिंह, डॉली मिश्रा, निधि सिंह से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। और इसमें समस्याएं हमारी भैया ये है कि जैसे बैंक में वहाँ जगह जो अटेंडेंस लगती है वो फिंगरप्रिंट के माध्यम से लगती है, तो हमारी पहली मांग है कि जो हमारी अटेंडेंस हो या कुछ भी हो वो फिंगरप्रिंट के माध्यम से, क्योंकि इसमें हम लोगों से विभाग से कहा जा रहा है कि सेल्फी के माध्यम से अटेंडेंस भेजी जाए, तो सेल्फी में बहुत टाइम लगेगा, एक एक बच्चे की सेल्फी खींचना, अपने अध्यापकों की सेल्फी खींचना, और दूसरा चीज़ सेल्फी में फ़ोटो का, महिलाओं की फ़ोटो का सबका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए हम उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ साथियों, में पूरे साल में हमें केवल 14 सीएल मिलती हैं और काम हमें जैसे हमारे बच्चे हैं उनकी 2 महीने 3 महीने बाद एक पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें जाना होता है, तो 14 सीएल में काम नहीं हो पाता है। शादियाँ हैं, आदमी की डेथ हो जाती है, तैरही होती है और बहुत सी चीज़ होती हैं, तो नौकरी करने के बाद अगर एक सामाजिक सारे संबंध खत्म हो जाए तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें 30 ईयर दी जाए और गर्मियों में भी हमसे काम कराया जाए, गर्मी और जाड़े छुट्टी दोनों की छुट्टियों का जो भी औचित्य है वो बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए कोई औचित्य नहीं है, वो असामयिक छुट्टी है, उनका हमारे लिए कोई भी उपयोग नहीं है। हम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे हमारी चिकित्सा मतलब मेडिक्लेम मेडिकल सुविधा हम लोगों को नहीं उपलब्ध है, हम लोगों को ईएल नहीं सुविधा उपलब्ध है, अन्य विभागों में सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होती है, हमारे विभाग में नहीं छुट्टी है। तो इस प्रकार की समस्याओं को हमारी दूर करें, हमारी पदोन्नतियाँ करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि सालों हो गए हैं, 2015 के बाद में 8 साल हो गए, अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है। तो इस प्रकार की जो कई समस्याएं विभाग की हैं उनको पहले दूर किया जाए। हर विद्यालय में 5 अध्यापक दिए जाएं, अगर अध्यापक 5 नहीं है तो बच्चों को कैसे 5 पढ़ाया जा सकता है, वो तो एडजस्टमेंट हो रहा है, गाँव में बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम लोगों को मूलभूत सुविधाएँ जो हमारी हैं वो उपलब्ध कराई जाए और हमसे फिंगरप्रिंट के द्वारा अटेंडेंस ली जाए, हमें कोई समस्या नहीं। हम निश्चय ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तत्पर हैं, समय से विद्यालय जाते हैं और समय से विद्यालय से आते हैं, हमें इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारी मांगे सुनी जाए, एक तानाशाही रवैया न अपनाया जाए, हमको एक अपना बंधुआ मजदूर बना के न रखा जाए। हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, समाज को देश को एक दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। सर दिक्कत तो जो है हम लोगों को ऑनलाइन हाजिरी से बिल्कुल भी नहीं है। सर समस्याएं ये है कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं विद्यालय के लिए, हम लोग टाइम पे निकलते हैं, कई बार होता है विद्यालय में आते हुए क्रॉसिंग मिल जाती है या रास्ता जाम होता है, तो वो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं कि थोड़ा टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी दे दें वो, और जो हमारी ईएल की मांगे हैं वो दे दें हाफ डे, बाई चांस अगर कोई कैजुअलिटी हमारे घर में हो जाती है हाफ डे के बाद, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम विद्यालय आए हुए हैं तो वो हमें फुल डे का मतलब एब्सेंट दिखा देंगे, तो एक हाफ डे सीएल भी हमारे पास होनी चाहिए कि अगर कोई कैजुअलिटी हो सके तो हम घर भी जा सकते हैं। बाकी सरकार द्वारा या विभाग द्वारा दी गई कोई भी शासक द्वारा दी गई आदेश को हम लोग अवहेलना नहीं कर रहे, मना नहीं किया नहीं जा रहा है, ये मैसेज गलत जा रहा है। हम लोग एग्री हैं किसी भी तरीके की ऑनलाइन हाजिरी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए एग्री हैं, लेकिन हमारी जो पहले बेसिक नीड है उन पे सरकार का ध्यान देना चाहिए। कि देखिए ऑनलाइन जो अटेंडेंस है उससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं, अगर वो सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, क्योंकि हमारे पास भी बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे भी स्कूल के जो बच्चे हैं वो विभिन्न परिस्थितियों से आते हैं, कभी रास्ते हैं, कभी रास्ते खराब हैं, कभी मौसम खराब है, कभी क्रॉसिंग बंद है, और मतलब इसलिए थोड़ा सा लगता है कि कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को प्रदान करें, और वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूल जो है ये तो है नहीं कि टावर हमारे हर स्कूल के पास में है, बहुत दूर दूर हैं, कल ही हम लोगों ने बहुत सी समस्याएं फेस की हैं, नेटवर्क नहीं आता है, हम लेके बैठे रहते हैं, नहीं काम हो पाता है। सर जो ये ऑनलाइन अटेंडेंस का चल रहा है इसमें थोड़ा सा अगर सुधार हो जाए या हम लोगों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज मिल जाएँ
तो ये हम स्वीकार कर भी सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि गृह जनपद हमको मिला नहीं है, घर से दूर हम अकेले रहकर नौकरी कर रहे हैं, समस्याएं कितनी आ जाती हैं, वेदर चेंज हो जाता है, बारिश है, एमरजेंसी किसके साथ नहीं है, तो एकदम से इतने हार्ड एंड फास्ट रूल बनाकर कैसे अटेंडेंस लग सकती है। हम सिर्फ इन बातों को कह रहे हैं कि इन चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी और नियमों में सुधार किया जाए, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा तो हम इसके समर्थन में आ जाएंगे। बताते चले कि ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था फिलहाल लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती, उन्नाव और रायबरेली आदि 7 जनपदों में लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यालय के कैंपस के अंदर से ही हाजिरी दर्ज कराई जा सकती है। इन 7 जनपदों में से सीतापुर जनपद में कुल 3512 प्राथमिक, जूनियर व कम्पोजिट विद्यालय है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि विद्यालयों में कुल 17,000 शिक्षक शिक्षिकाओं की तैनाती है। इनमें से अधिकतर शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन उपस्थिति में सीतापुर लखनऊ मंडल में पहले पायदान पर है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।